चैनल, मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोडिंग सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारी वीडियो बनी है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेलिस्ट में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं C++ से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी नई वीडियो C++ से रिलेटेड आएगी वो आपको आसानी से मिल जाए। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके, और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पहले से डाली गई है, वो सारी वीडियो आप देखें और सीखें, और फिर इस वीडियो को दोबारा से देखें। इस वीडियो में हम लोग जिक्र कर रहे हैं यूनिटी ऑपरेटर का, तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनिटी ऑपरेटर क्या होता है। ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाली ऑपरेटर है, ये एक सिंगल वैल्यू पे वर्क करती है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो बाइनरी में क्या होता है, वो दो वैल्यू पे काम करती है। तो यूनिटी ऑपरेटर को अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है प्लस प्लस और माइनस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो प्लस प्लस जो ऑपरेटर है उसके साथ दो कंडीशंस आती है, एक तो प्रीफिक्स और एक दूसरी पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है कि अगर आप किसी भी वैल्यू के पहले आप चाहते हैं कि वो इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो ऑपरेटर आप वैल्यू के पहले लगा देंगे तो वो प्रीफिक्स हो जाएगा। अगर आप वैल्यू के वेरिएबल के बाद अगर लगाएंगे प्लस प्लस ऑपरेटर, तो वो पोस्टफिक्स कहलाएगा। तो इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये हमारा टॉपिक है। साथ में कि अगर हम लोग अपना कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कैसे ये ऑपरेटर्स हम ओवरलोड करें, ये दोनों फंक्शन हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कैसे बनाएं और कैसे यूज करें, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन से क्लियर करूंगा और साथ में प्रोग्राम बना के भी आपको सिखाऊंगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप C++ लैंग्वेज सीख रहे हैं या ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको कंफ्यूजन है, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट सेशन में मैं प्रोग्रामिंग करता हूं और प्रोग्रामिंग में मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं प्रोग्राम बना के। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, यूनिटी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। वेलकम टू प्रेजेंटेशन सेशन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिटी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करें। मेंबर फंक्शन के जरिए दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में जाकर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडेड के फंक्शन को जरूर वीडियो देख लें, वो जिससे आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करें। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है, टू ओवरलोड एनी यूनिटी ऑपरेटर वी नीड टू मेक ए फंक्शन दैट इन दैट क्लास विदाउट आर्गूमेंट बिकॉज दिस ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। जब भी आपको यूनिटी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे अपने क्लास में मेंबर फंक्शन के जरिए, तो उस समय आपको कोई आर्गूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉल होगा वो उसका एक सिंगल आर्गूमेंट होगा, क्योंकि वो सिंगल आर्गूमेंट पे ही काम करती है। तो आपको विदाउट आर्गूमेंट वो ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन बनाना होगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ दो कंडीशंस आती है, एक पोस्टफिक्स की और एक प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो फंक्शन होगा वो कैसे आप लिखेंगे वो आप देख लें। यहाँ पे मैंने फंक्शन का सिग्नेचर दिया है और फिर इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका नाम है वो बिल्कुल वही होगा जो आप यूज़ करते थे पहले, फंक्शन नेम स्टार्ट विद द ऑपरेटर कीवर्ड एंड ऑपरेटर साइन। इस केस में ऑपरेटर साइन हमारा क्या है, डबल प्लस, यानी प्लस प्लस ऑपरेटर। दूसरी चीज़ जो आर्गूमेंट है, मैंने यहाँ भी आपको बताया है कि इन दिस केस नो आर्गूमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज यूनिटी ऑपरेटर वर्क्स ऑन ए सिंगल वैल्यू। तो जो सिंगल वैल्यू जो होगी वो इस ऑपरेटर को कॉल, जिसके लिए ऑपरेटर कॉल होगा वो उसकी वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर लेगा। अदरवाइज आपने बाइनरी में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें। वहाँ पे हम लोग अगर मेंबर फंक्शन के थ्रू बना रहे हैं, तो चूंकि वहाँ पे दो आर्गूमेंट की जरूरत होती थी दो ऑब्जेक्ट की, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए ऑपरेटर कॉल होता था और दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट हमें लेना पड़ता था। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। और दूसरा, यहाँ पे जो फंक्शन आपका ऑपरेटर ओवरलोडेड का है, उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो निश्चित तौर पे ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास होगी। जो भी ऑपरेशन करके उसे जब हम रिटर्न करेंगे तो वो सेम क्लास की होगी, तभी वो काम करेगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे अभी। तो चलिए आगे देखते हैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो फंक्शन बनेगी उसकी सिग्नेचर क्या होगी। तो देखिए, पोस्टफिक इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आपको एक चेंजेस करने होंगे एज ए आर्गूमेंट। आर्गूमेंट तो नहीं लेना, ये एक इंडिकेशन की तरह काम करता है, बाद बाकी सब कुछ सेम है।
यहाँ पे देखिए इंट के बारे में मैं बता दूं कि इन दिस केस इट इज नॉट एन आर्गुमेंट, ये इंट आर्गुमेंट नहीं है, इट इज जस्ट द इंडिकेशन टू द कंपाइलर। चूंकि आप देखो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर हो या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट हो, दोनों की जो साइन होती है वो प्लस प्लस ही होती है, तो कंपाइलर कैसे समझेगा कि कौन सा फंक्शन प्रीफिक्स के लिए काम करेगा और कौन सा फंक्शन पोस्टफिक्स के लिए काम करेगा। तो इसके लिए एक इंडिकेशन यहाँ पे देने की जरूरत है इंट, और इसकी कोई खास बात नहीं है, इंट आप केवल देना है, यहाँ पे आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये इंट क्यों दिया गया है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन को अलग अलग करने की। उसके अलावा एक चीज है जो मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस कर लेना, जिसे हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर रिजल्ट वी नीड एन एक्सप्रेशन। आप देखिएगा अगर आप विदाउट एक्सप्रेशन अगर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट को अलग अलग यूज करके देखेंगे तो दोनों के आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, दोनों का आउटपुट आपको बिल्कुल सेम आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक्सप्रेशन का यूज करके आप प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के रिजल्ट को डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेटर के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज ए इज इक्वल टू 5 और आप एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, मतलब प्रीफिक्स ऑपरेटर आप प्रीफिक्स ऑपरेटर यहाँ यूज कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होती है और फिर यहाँ पे स्टोर होगी, तो यानी ए का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर बी में स्टोर होगी, तो रिजल्ट जो आपका आएगा तो ए में भी 6 और बी में भी 6 आएगा, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप पोस्टफिक्स ऑपरेटर के साथ करोगे तो उसमें क्या होता है, पोस्टफिक्स का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट बाद में होगी पहले स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू पहले स्टोर हो जाएगी तो बी में कितना स्टोर हो गया 5 और फिर ए की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो रिजल्ट जो आपकी आएगी वो ए में कितनी आएगी 6 और बी में कितना आ रहा है 5। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्लियर कर लो, और प्रैक्टिकली इसे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखेंगे आज इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, चूंकि ये दोनों डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए प्रैक्टिकल सेशन में और देखते हैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच का डिफरेंस। वेलकम टू प्रैक्टिकल सेशन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग यूनिटी ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, उसको ओवरलोड करके और एक क्लास के ऑब्जेक्ट पे हम लोग उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिटी ऑपरेटर में आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन सेशन में कि दो तरह से आप उसको यूज करते हैं, एक पोस्टफिक्स और एक प्रीफिक्स। तो सबसे पहले यूनिटी ऑपरेटर की ज़रूरत को समझें उसके बाद हम लोग फिर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको यूनिटी ऑपरेटर ओवरलोड करके बताऊं, उससे पहले आप देख लें यहाँ प्रोग्राम में हमने कुछ पहले से कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ क्लास, एक क्लास बनी हुई है और मेन हमने लिखा है पहले से, आप मैं पहले आपको उसको समझा देता हूँ कि इसमें क्या काम हो रहा है। तो देखिए एक क्लास मैंने बनाया है नंबर नाम का, उसमें मैंने एक डेटा मेम्बर लिया है इंटीजर एन और दो फंक्शन लिया है गेट फॉर इनपुट और सो फॉर नंबर को प्रिंट डिस्प्ले करने के लिए, दो फंक्शन लिया हुआ है यहाँ पे। और मेन में मैंने क्या किया है, नंबर का एक ऑब्जेक्ट लिया है nm और nm डॉट गेट फंक्शन का कॉल करके nm में इनपुट लिया और बिफोर इंक्रीमेंट इसको nm को मैं शो कर रहा हूँ डॉट शो लगा के, और फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स में। कोई भी जब ऑपरेंड से पहले अगर आप उस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स का केस है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीफिक्स। अब यही काम अगर आप ऑपरेटर को इधर लिखोगे राइट साइड में लिख दोगे, यानी ऑपरेटर के ऑपरेंड के बाद लिखोगे यहाँ पे अगर लिख दोगे प्लस प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, पोस्टफिक्स कहलाएगा। चलिए फिर मैं बता दूँ कि एक बार इंक्रीमेंट करने के बाद मैंने इसको प्रिंट भी किया है शो करके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्रीमेंट होकर क्या वैल्यू आती है उसको प्रिंट करने का। सबसे खास बात कि इस क्लास में मैंने अभी तक यूनिट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एरर मैसेज आना चाहिए, वो हम लोग देख लेंगे। और अगर आपको क्लास मेंबर्स डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपने इस वीडियो को देख, आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे C++ प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में जाके और क्लास और उसके मेंबर को कैसे डिक्लेयर करें उसकी वीडियो आप देख लें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।
चलिए हम शुरू करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चलो पहले इसको कंपाइल करके आप देख लो कि क्या प्रॉब्लम है। देखो ये एरर, आप यहाँ देखो इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, मतलब जब भी ये एरर आए तो समझ लेना है कि आप कोई ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो जो कि ओवरलोडेड नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रीफिक्स ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखते हैं। आप अपने क्लास के अंदर एज ए मेम्बर फंक्शन उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रिटर्न टाइप लेना होगा जो सेम क्लास टाइप का होगा यानी नंबर। फिर आपको यूज़ करना होगा ऑपरेटर, और जिस सिंबल, तो प्लस प्लस ऑपरेटर है उसको यूज़ करेंगे। मैंने बताया होगा आपको प्रेजेंटेशन सेशन में कि आर्गुमेंट आपको नहीं लेना, चूँकि यूनरी ऑपरेटर सिंगल आर्गुमेंट पे काम करती है और जिस ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन कॉल होगा वो उसके लिए एक ऑपरेंट का काम करेगा और वो उसके वैल्यू पे वर्क करेगा। तो चलिए हम मैं बता दूँ आपको प्रीफिक्स में आपको क्या करना होगा। सपोज एक मान लेते हैं नंबर का ऑब्जेक्ट nm, और फिर उसमें इंक्रीमेंट यानी n प्लस प्लस करना है आपको। जिस nm, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा ऑपरेटर उसके वेरिएबल n को, जो डेटा मेम्बर ऊपर में डिफाइन है उसके n को यहाँ पे प्लस प्लस करना है। और फिर क्या करना है, जो नया ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसके n को इस n से चेंज करना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है किसको, इस nm ऑब्जेक्ट को, ठीक। इस तरीके से ये आपका काम करेगा। तो होगा क्या कि जब वैल्यू यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगी यहाँ पे वो nm, जैसे आपने लगा लिखा यहाँ पे प्लस प्लस nm, ठीक है। तो इसके लिए ऑपरेटर कॉल होगी और नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस nm के वैल्यू को इंक्रीमेंट करके हमने क्या किया, नया ऑब्जेक्ट में स्टोर करा के फिर उसे रिटर्न किया, यानी nm में वो स्टोर हो जाएगी। तो जब आप शो करेंगे तो आपको वैल्यू प्रिंट होगी 6। तो आप इसको चेक कर लीजिए, वैल्यू आप इनपुट कीजिए, देखिए बिफोर इंक्रीमेंट 5 एंड आफ्टर इंक्रीमेंट 6। तो ये क्लियर हो गया कि आप प्रीफिक्स जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट का उसे ओवरलोड करके आपने आउटपुट यहाँ पे निकाल लिया है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर हम इसे पोस्टफिक्स की तरह यूज़ करें, सपोज कि यहाँ पे अगर प्रीफिक्स यूज़ ना करके हम लोग क्या करें, पोस्टफिक्स यूज़ करें, तो उस केस में क्या होगा, क्या ये फंक्शन काम कर जाएगा या इस फंक्शन में कुछ चेंज करना होगा। तो उसको देखते हैं, इसे सेव कीजिए और कंपाइल कीजिए। देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, ओवरलोडेड प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज्ड एज ए पोस्टफिक्स ऑपरेटर, ठीक है। यानी प्रीफिक्स ऑपरेटर जो है ये पोस्टफिक्स की तरह यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, काम करा रहे हो। तो ये वार्निंग है, और इस वार्निंग को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पोस्टफिक्स का भी ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को आप कॉपी कर लें, थोड़ा सा का चेंज है, और यहाँ पे पेस्ट करके इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर का साइन है वो दोनों में वही होगा, प्रीफिक्स में भी वही ऑपरेटर है और पोस्टफिक्स में भी वही ऑपरेटर है। तो यहाँ पे कैसे कंपाइलर समझेगा कि कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा पोस्टफिक्स है। जैसे ये तो अभी हम लोगों ने करके देखा है यूज़ करके, ये कौन सा था, प्रीफिक्स ऑपरेटर था, और ये हम बनाने जा रहे हैं पोस्टफिक्स। तो C++ कंपाइलर के अंदर ये कोडिंग किया हुआ है कि अगर प्लस प्लस ऑपरेटर में आर्गुमेंट के जगह इंट लिखा हो, जबकि ये आर्गुमेंट ले नहीं रहा, ये केवल इंडिकेशन का काम कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो इंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो केवल इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई प्लस प्लस ऑपरेटर में आर्गुमेंट में इंट लिखा हुआ है तो वो पोस्टफिक्स की तरह काम करेगा, पोस्टफिक्स के लिए कॉल करेगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है इंट तो वो प्रीफिक्स के लिए काम करेगा। आप इसे चेक करके देख लो। दूसरा जो यहाँ पे चेंजेस करने हैं, पोस्टफिक्स क्या बोलता है कि पहले वैल्यू को रिटर्न करना है, ठीक है, मतलब विदाउट इंक्रीमेंट वैल्यू रिटर्न होगी, है ना, और फिर क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो देखो यहाँ पे जो चेंजेस हम करेंगे, आप देखो प्रीफिक्स में क्या था कि आप इंक्रीमेंट करके तब वैल्यू को चेंज कर रहे थे nm.n=n। अब ये काम हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि बिफोर इंक्रीमेंट, ठीक है, बिफोर इंक्रीमेंट जो पुरानी वैल्यू है उसे हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो अभी ध्यान दो, ये जो n की वैल्यू है जिससे हम लोग अभी स्टोर कर रहे हैं, इस n की वैल्यू क्या होगी, जो पुरानी वैल्यू होगी उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब आप nm को रिटर्न करोगे तो क्या रिटर्न होगा, जब आप nm को रिटर्n करोगे तो जो इसकी पुरानी, मान लो कि n का वैल्यू 5 है, तो आपने क्या किया कि 6 होने से पहले ही उसे स्टोर कर लिया यहाँ पे,
ठीक है, और बाद में आपने उसे सिक्स किया है, तो जब आप nm को रिटर्न करेंगे तो उस nm के n में क्या है, फाइव है, अगर आप n को फाइव मान रहे हैं तो, और बाद में वो क्या हो गया है, सिक्स हो गया है, तो nm तो आपका चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रिटर्न होगा तो वहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, फाइव प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह से ये काम करता है। दोनों में आप अंतर देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू स्टोर होती है, और यहाँ पे क्या हो रही है, पहले वैल्यू स्टोर होती है और फिर इंक्रीमेंट होती है। तो आप इसे चेक कर लें, मैंने इसे हटा दिया है यहाँ पे, इसको आप हटा दूँ, ठीक है। अब ये पोस्टफिक्स प्रीफिक्स की तरह काम हो रहा है। अभी चलो पोस्टफिक्स हमने यूज़ किया है, तो चेक करते हैं रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिफोर इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए, और आफ्टर इंक्रीमेंट भी फाइव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप देख लेना, मैं आपको चेक कराता हूँ। अब वैल्यू दो, देखो बिल्कुल प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है। आप देखो अभी पोस्टफिक्स का रिजल्ट आपके सामने है, अब मैं आपको प्रीफिक्स यूज़ करके बताता हूँ, क्योंकि दोनों ऑपरेटर आपने ओवरलोड कर लिया है अपने इस प्रोग्राम में। अब ये कौन सा है, प्रीफिक्स है, यहाँ पे हटाओ, मैं चेंज कर रहा हूँ बार बार, चलो कंपाइल करो। दोनों के आउटपुट में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, मतलब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कब दोनों में आउटपुट में डिफरेंस कहाँ आपको नजर आ रहा है। तो बिल्कुल प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें डिफरेंस करने के लिए आपको मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो ये बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि उसे एक एक्सप्रेशन में यूज़ करना होगा, कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं। सपोज दैट मैं एक ले लेता हूँ RNM रिजल्ट के लिए, और मैं यहाँ पे इसे स्टोर कराता हूँ जैसे RNM। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको एक बार फिर बता दूं, क्योंकि अभी जो हमने यूनरी ऑपरेटर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को ओवरलोड किया और जब उसे अलग अलग यूज़ करके देखा तो उसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है, यानी दोनों एक ही तरह से आउटपुट दे रहा है। तो उस आउटपुट को यानी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को क्लियरली समझने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा, वो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया RNM, और RNM इक्वल्स टू प्लस प्लस NM मैं कर रहा हूँ, फिर मैं इसको पोस्टफिक्स के लिए भी यूज़ करूँगा, और दोनों को मैं प्रिंट करके देखूँगा कि दोनों में रिजल्ट का कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक मैसेज मैं यहाँ पे और प्रिंट करना होगा RNM के लिए, क्योंकि दोनों इंक्रीमेंट के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन में जो रिजल्ट है वो पोस्टफिक्स का बाद में आएगा और प्रीफिक्स का पहले आएगा, यानी प्रीफिक्स में क्या होगा, आफ्टर इंक्रीमेंट आएगा, और पोस्टफिक्स में क्या होगा, बिफोर इंक्रीमेंट आएगा। ये आप चेक कर लो, यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू को चेक करने के लिए आप दो RNM, ठीक है। सेव कर लो, कंपाइल करो, वैल्यू दो, यहाँ देखिए आफ्टर इंक्रीमेंट नंबर हो गया 6 और रिजल्ट भी हो गया 6। ये प्रीफिक्स का आउटपुट है, ध्यान से देख लीजिए आप, प्रीफिक्स में क्या हुआ, आफ्टर इंक्रीमेंट नंबर भी हो गया 6 और रिजल्ट भी हो गया 6। रिजल्ट कौन है, एक्सप्रेशन RNM, यानी RNM में जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, और नंबर कौन सा है, जिस नंबर के लिए, जिस ऑपरेटर के लिए आप, जिस वैल्यू के लिए आपने क्या किया है, प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ये प्रीफिक्स का रिजल्ट है। अब मैं क्या करूँगा, उसे चेंज करके मैं आपको बताता हूँ, ये पोस्टफिक्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखो ये लाइन, ठीक है। अब ये पोस्टफिक्स में यूज़ कर रहा हूँ, अब इसके रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है, आप ध्यान से देखो, मुझे समझ में आया। यहाँ पे देखो आप, रिजल्ट कितना आ रहा है 5 और नंबर कितना हो गया 6, तो नंबर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, तो जिस नंबर के लिए आपने यूज किया है उसका वैल्यू तो बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि इंक्रीमेंट करने के बाद वो वैल्यू यूज होती है, इसलिए आपको रिजल्ट 6 दिखा। और पोस्टफिक्स में क्या होती है कि जो पहले वैल्यू यूज होती है बाद में इंक्रीमेंट होती है, यानी जो नंबर 5 था वो यूज हो गया, यानी रिजल्ट में आपको मिल गया 5 और बाद में इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए नंबर आपको दिख रहा है 6। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आप इसके ध्यान से देख लो। ये सारे प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके आपको समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स और यूनरी ऑपरेटर से रिलेटेड,
तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर लें। तो मिलते हैं C++ के अगले प्रोग्राम, अगले टॉपिक, अगले कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।